हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं, हम पीएमएस प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज से रिलेटेड जनरल नॉलेज पेपर 2015 डिस्कस कर रहे हैं। जनरल नॉलेज पेपर 2015 के दो पार्ट्स, पार्ट ए और पार्ट बी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम 2015 पीएमएस पेपर जनरल नॉलेज का पार्ट सी डिस्कस करेंगे और हमारी पूरी कोशिश होगी कि सबका वीडियोज की तरह इस वीडियो में भी हर क्वेश्चन को शॉर्ट डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करें। चलते हैं क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 51। इससे पहले के 50 क्वेश्चन जो हैं वो पार्ट ए और पार्ट बी वीडियो में डिस्कस किए जा चुके हैं। हु इज द चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी? पैमरा का इस वक्त मौजूदा चेयरमैन मोहम्मद सलीम बेग है। पैमरा का हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में है। ये क्वेश्चन 2015 के पेपर में पूछा गया था। उस वक्त पैमरा का चेयरमैन कोई और था, लेकिन इस वक्त 2020 में पैमरा का जो चेयरमैन है वो मोहम्मद सलीम बेग है। क्वेश्चन नंबर 52। शर्मीन उबैद चिनाई ऑफ पाकिस्तान वोन एन ऑस्कर अवार्ड फॉर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म। व्हाट वाज द टाइटल ऑफ द फिल्म? शर्मीन उबैद चिनाई ने एक मूवी बनाई थी जिस पे इसे ऑस्कर अवार्ड दिया गया। उस मूवी का नाम सेविंग फेस था। सेविंग फेस मूवी 12 सितंबर 2004 को यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में रिलीज की गई। क्वेश्चन नंबर 53। चुबुर्जी इन लाहौर इज वन ऑफ द फेमस मॉन्यूमेंट्स बिलोंगिंग टू द मुगल पीरियड। इट वॉज रिपोर्टेडली बिल्ट एज अ गेटवे टू अ ब्यूटिफुल गार्डन बुल्ट फॉर प्रिंसेस ज़ेबुन्निसा। शी वॉज एन अकम्पलिश्ड डॉटर ऑफ विच मुगल एम्पीरर? जो प्रिंसेस ज़ेबुन्निसा थी वो औरंगजेब की बेटी थी और चुबुर्ची को 1646 में तामीर किया गया। क्वेश्चन नंबर 54। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी फॉर अ स्टैंड अलोन कंप्यूटर? लैन कार्ड। अगर लैन कार्ड कंप्यूटर में मौजूद ना हो तो इसके बगैर भी कंप्यूटर बहुत से टास्क जो है वो सर अंजाम दे सकता है। लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। लैन कार्ड को पहली बार इंजीनियर कैम्ब्रिज रिंग ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में डेवलप किया। क्वेश्चन नंबर 55। एलईडी टेक्नोलॉजी इन एनर्जी एफिशिएंट? व्हाट डज एलईडी स्टैंड्स फॉर? एलईडी स्टैंड फॉर लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड को पहली बार निक होलेनिक ने 1962 में डेवलप किया। क्वेश्चन नंबर 56। विच अमंग द फॉलोइंग इज द ऑड वन आउट? हार्ड डिस्क जो है इसमें ऑड वन आउट है, डिफरेंट है बाकी तीन ऑप्शन से। क्वेश्चन नंबर 57। व्हाट वॉज द कोड नेम गिवन टू अनलिमिटेड स्टेट्स नेवी सील्स ऑपरेशन लीडिंग टू एलिमिनेशन ऑफ ओसामा बिन लादिन इन एबटाबाद? नेपच्यून स्पीयर। क्वेश्चन 58। पेडागोगी इज द साइंस ऑफ टीचिंग? पेडागोगी ये साइंस जो है ये टीचिंग से रिलेटेड साइंस है। इसमें टीचिंग की स्ट्रेटजीज, वेज ऑफ टीचिंग्स और टीचिंग से रिलेटेड मुख्तलिफ जो है रिसर्च इसमें डिस्कस की जाती है। इसे पैडागोगी कहा गया। द फादर ऑफ पैडागोगी इज कंसिडर्ड टू बी सोक्रेट्स। पैडागोगी का फादर जो है वो सोक्रेट्स को कहा जाता है क्योंकि 5वीं सदी में सोक्रेट्स ने टीचिंग से रिलेटेड कुछ थ्योरीज पेश की थी। व्यूवर्स, मजीद आगे जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल ई टेस्ट सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, क्योंकि हमारे ई टेस्ट चैनल पर सिर्फ जॉब से रिलेटेड वीडियोस ही अपलोड की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 59। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विच होल्ड इट्स एनुअल सेशन इन डेवोस स्विट्जरलैंड वॉज फाउंडेड बाय? स्क्वाब क्लॉज। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसको प्रोफेसर स्क्वाब क्लॉज ने 1971 में स्टार्ट किया और जब इसे स्टार्ट किया गया जिनेवा में तो ये उस वक्त ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे इसको स्टार्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 60। व्हेन वाज द राइट टू वोट गिवन टू वुमेन इन स्विट्जरलैंड?
स्विट्जरलैंड की खवातीन ने पहली बार 1971 में वोट कास्ट किया। 19 अक्टूबर 1969 को एक रेफरेंडम के थ्रू ये बिल पास हुआ कि स्विट्जरलैंड की फीमेल्स वुमेन जो है ये वोट कास्ट करेंगी, और 1971 में पहली बार इन्होंने वोट कास्ट किया। क्वेश्चन नंबर 61, द लर्निंग टावर ऑफ पीसा इज लोकेटेड इन विच कंट्री। पीसा टावर इटली में वाक्य है। ये टावर 57 मीटर ऊंचा है, इसकी हाइट 57 मीटर है, लेकिन ये आजकल टेम्परेरी आर्जी तौर पे इसको बंद किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 62, यूथंट वॉज द फर्स्ट यूएन सेक्रेटरी जनरल फ्रॉम एशिया, टू विच कंट्री डिड ही बिलोंग टू। यूथंट जो है इसका ताल्लुक बर्मा से था, ये एशिया की तरफ से यूएन यूनाइटेड नेशंस में बतौर जनरल सेक्रेटरी के अहदे पर फाइज हुआ। इसे जनरल सेक्रेटरी के अहदे पर 1961 में अपॉइंट किया गया। इस वक्त जो मौजूदा हमारे जो जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूएन है एंटोनियो गुटेरेस, उनका 9वां नंबर है, वो 9वें नंबर पे हैं। क्वेश्चन नंबर 63, ऑन विच रिवर दी बगलियार डैम बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय इन इंडिया। बगलियार डैम चिनाब पर बनाया गया है। बगलियार डैम को बगलियार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट भी कहा गया है, क्योंकि इस डैम के थ्रू बिजली भी काफी मिकदार में बनाई जा रही है। इसे 1996 में इस प्रोजेक्ट को अप्रूव किया गया और 1999 में इस पे काम शुरू हुआ। यह जम्मू एंड कश्मीर में वाकया है। क्वेश्चन नंबर 64, हाउ मेनी एकर्स इन 1 हेक्टर। एक हेक्टर में 2.47 एकड़ होते हैं। एक हेक्टर में 2.47 एकड़ होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 65, लिक्विड्स दैट वेपोरेट क्विकली आर नोन एज वोलटाइल। क्वेश्चन नंबर 66, इफ अ शिप ट्रेवल्स फ्रॉम फ्रेश वाटर टू अ सी आर ओशन इट विल राइज अ लिटल हायर। क्वेश्चन 67, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट वेजिटेबल इज अ गुड सोर्स ऑफ पोटाशियम। बनाना, केले में पोटाशियम बहुत ज्यादा मिकदार में पाया जाता है। इसके अलावा वाटरमेलन, ब्लैक बीन्स, व्हाइट बीन्स और ऑरेंज वगैरह में भी पोटाशियम काफी मिकदार में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 68, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। कैल्शियम हाइपोक्लोरेट जो है ये ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला है। ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसका फार्मूला भी नीचे दिया गया, मुख्तलिफ पेपर्स में ये फार्मूला भी पूछा गया है, केमिकल फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 69, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एक्सपेल्ड द फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO इन 1970। जॉर्डन। ये जो PLO है ये फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का एब्रीवेशन है। ये 8 ऑर्गेनाइजेशन पर मुश्तमिल है। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये मजीद सब 8 ऑर्गेनाइजेशन पर मुश्तमिल है। क्वेश्चन नंबर 70, विच एक्टर प्लेड द रोल ऑफ कायदे आजम मोहम्मद अली जिना इन द फीचर फिल्म जिना डायरेक्टेड बाय जमील दहलवी। इसमें एक एक्टर थे क्रिस्टोफर ली। क्रिस्टोफर ली ने कायदे आजम मोहम्मद अली जिना का रोल जो है इसमें प्ले किया था। इस मूवी ने, जिना मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत बिजनेस किया। तकरीबन 2.4 करोड़ डॉलर जो है ये इसका काउंट किया गया है। ये इसने बॉक्स ऑफिस में बिजनेस किया, रिकॉर्ड बिजनेस है ये। क्वेश्चन नंबर 71, द ऑस्कर अवार्ड विनिंग फिल्म स्लम डॉग्स मिलियनर इज बेस्ड ऑन द बुक क्वेश्चन एंड आंसर रिटन बाय विकास वारव। क्वेश्चन 72, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ द फेमस पाकिस्तानी एक्टर संतोष कुमार। संतोष कुमार का असल नाम सैयद मूसा रजा है। ये लाहौर में 1925 में पैदा हुए और 11 जून 1982 को इन्होंने वफात पाई। क्वेश्चन नंबर 73, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैसेस हैज द ग्रेटेस्ट वार्मिंग इफेक्ट।
कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ग्रीन हाउसेस गैसेस में शामिल है और ये बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है, इफेक्ट करती है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड जो है वगैरह वगैरह ये ग्रीन हाउसेस गैसेस में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 74, क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP21 वाज हेल्ड इन पेरिस, वेयर वाज COP20 हेल्ड? लीमा। क्वेश्चन 75, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पेशीज इन इंडेमिक टू पाकिस्तान? इंडस रिवर डॉल्फिन। द इंडस रिवर डॉल्फिन इज वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट इंडेंजर्ड मैरीन मैमल। इंडस रिवर डॉल्फिन जो है ये ऐसा मैमल है, मैरीन मैमल इसे कहा जाता है, जिसकी तादाद बहुत कम है। 2018 के सर्वे के मुताबिक ये तकरीबन पूरी दुनिया में 1300 ये डॉल्फिन रह गई हैं। जी नाज़रीन, इसके साथ ही हमें इजाजत दें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट जनरल नॉलेज पेपर 2015 पार्ट डी के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।